रादौर सरकारी अस्पताल में पिछले दो दिन से कोविड वैक्सीन न होने के कारण वैक्सीनेशन का कार्य नहीं हो पा रहा है। अस्पताल प्रशासन द्वारा कोविड वैक्सीन उपलब्ध न होने संबंधी एक नोटिस भी लगा दिया गया है, जिसे अस्पताल में टीकाकरण कराने के लिए पहुंच रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन कराने पहुंचे लोगों ने बताया कि उन्हें मोबाइल पर वैक्सीन लेने के लिए समय दिया गया था, लेकिन यहां पिछले दो दिन से वैक्सीन खत्म होने की बात कही जा रही है। लगवाने के लिए आया, सेकंड डोज लगनी थी मेरे को, लेकिन यहां पर दो दिन से वैक्सीन खत्म है। यहां तो सेकंड डोज अभी मैं ये सोच रहा हूं कि जो 18 से 25 जो कल शुरू करने जा रही है प्रोग्राम, वो तो कैसे सिरे चढ़ेगा जब 45 से ऊपर वालों को नहीं लग रही और काफ़ी बुजुर्ग यहाँ से परेशान होकर बाहर जा रहे हैं। वैक्सीन नहीं है दो दिन से बिल्कुल भी, और हम यहाँ पर आए और बहुत से बुजुर्ग लोग यहाँ से खाली चले गए। मांग तो यही है भाई, जो है ना वैक्सीन होनी चाहिए, जो उनको सेकंड टीका लगवाने इतने दूर दूर से आते हैं लोग और वो खाली वापस चले जाते हैं परेशान होकर। अब जब मोबाइल पर या तो उनको सूचना दें, यहाँ नोटिस बोर्ड पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, नोटिस लगा देते हैं। हमने 1 अप्रैल को पहली डोज लगवाई थी और अब दूसरी डोज के लिए इन्होंने कहा था 28 दिन के बाद आना, तो कल भी हम यहाँ आए, परसों भी और आज भी आए, किंतु कोई सूचना नहीं। बाहर एक चिट लगा दी कि भाई दवाई ख़त्म हो चुकी है, तो ये सोचो कि कल 1 मई से जो 18+ में लगना है वो कैसे काम होगा जब अस्पतालों में दवाई नहीं है। सरकार कहती है हमने दवाई सब जगह भेज दी है और दवाइयाँ अस्पतालों में है नहीं, तो कैसे वैक्सीन लगेगी सबको, कैसे रोकथाम कोरोना की हो सकती है। लोगों ने कहा कि अगर अस्पताल में वैक्सीन नहीं है, उस संबंधी संदेश भी उनके मोबाइल में भेजना चाहिए ताकि लोगों को यूं परेशानी न झेलनी पड़े। वहीं 1 मई से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के तहत 18+ आयु वर्ग और वैक्सीन देने का अभियान शुरू किया जाएगा, तो वहीं ऐसे में रादौर सरकारी अस्पताल में पिछले दो दिन से वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। रादौर से कुलदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।